हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम जीएस पेपर वन के बारे में बात करेंगे जीएस पेपर वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसका एनालिसिस करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडिया टेंपल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज यानी कि इसमें मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में पूछा गया है स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइज ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर एंड निटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स गिव रीज़न इसमें रीज़न देना है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुज सेना से लगातार जीतती रही है कारण बताइए थर्ड क्वेश्चन है Why was there a sudden spurt in इन in इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड century? सेंचुरी गिव रीजन इसमें कह रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत की अठारहवीं शताब्दी के माध्यम मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है कारण बताइए फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स इसमें प्राइमरी रॉक्स की टाइप्स बतानी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्मिंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवेन बाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विभाग यानी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा चक्रवात क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस दी नेचुरल रिसोर्सेस पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप ट्रैप की जो प्राकृतिक संसाधन संभावनाएं हैं उनकी चर्चा करनी है सेवेंथ क्वेश्चन है एग्जामाइन पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दियर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट हमारा है एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स इसमें बताना है एक्सप्लोर करना है और इवेल्युएट करके बताना है कि जो वर्क फ्रॉम होम है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है फैमिली के रिलेशनशिप पे। नाइन क्वेश्चन है हाउ इज ग्रोथ ऑफ टायर टू सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंज़म्पशन, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर टू शहरों का विकास किस तरह संबंधित है टेंथ क्वेश्चन गिवन दी डाइवर्सिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेस्ट शुड दे कब कंसीडर्ड एज अंगल कैटेगरी भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल में माना जाना चाहिए। Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस सिंस मिड डिस्कस एग्जांपल्स जो राज्य और एवं प्रदेश हैं उनका जो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवी सदी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है उदाहरण सहित उसे बताना है ट्वेल्व क्वेश्चन है हमारा डिस्कस मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का है उसको बताना है यानी कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करनी है थर्टीन क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉइन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मेथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर भारत भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में जो सिंग यानी जो लॉइन है एवं वृक्ष वृषभम की आकृतियों को महत्व पर विचार करना है फोर्टीन क्वेश्चन है हमारा वॉट आर दोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करेंट्स ऐसे कौन से फोर्सेज हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशियन करेंट्स को डिस्क्राइब दियर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फिशिंग इंडस्ट्री जो वर्ल्ड में है उसके बारे में बताना है विश्व के मदससी उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करना है नेक्स्ट फिफ्टींथ क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइबिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट देशर इन्वायरमेंटल इशूज फेस्ड बाई दे जो रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामान किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करना है सिक्सटीन क्वेश्चन इज मैंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड स्ट्रेट और इस्ट इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए वेरी सिग्निफिकेंट लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ इसमें बताना है कि जो शुभ मंडल शुभ मंडल वायुमंडल एक जो महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्राक्रियों को निर्धारित करता है उसको बताना है कैसे निर्धारित करता है एटीन क्वेश्चन इज एनालाइज दी सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज अ विज कास्ट रिलीजन रीजन एंड रिलीजन भारतीय समाज में जाति क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पथ की विशेषताओं विशेषता की विवेचना कीजिए नाइनटीन क्वेश्चन इज आर टरेंस एसीमलेशन प्लेजम द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ़ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म जस्टिफाई योर आंसर इसमें आंसर को जस्टिफाई करना है कि क्या टॉलरेंस एसीमलेशन और जो प्लेज़म है वो की एलिमेंट्स हैं इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म के इसका हिंदी में है कि क्या सहिंशुता सम्मेलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं तर्क संगत उत्तर दें लास्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूसिएट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया यानी कि स्पेशल रेफरेंस इंडिया के रेफरेंस में देना है इसमें बताना है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन है ग्लोबलाइजेशन और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वर्ल्ड में उनकी रिसोर्सेज की जो कमी है उसके बारे में तो ये हमारा जीएस पेपर वन है जीएस पेपर वन जो कि सेवेंटीन सितंबर को हुआ है पिछली वीडियो में मैंने एसे के बारे में वीडियो बनाई थी आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ये पेपर है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप उसको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी